नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन 2021 के बारे में। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सके। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम बात कर ले तो यूनिवर्सिटी का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, स्पेशली महिलाओं के लिए है। यदि आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पीजी पीएचडी के लिए प्रोग्राम के लिए फॉर्म आ चुका है। सेकेंड रैंक है इस कॉलेज को, सेकेंड रैंक इन वुमेन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ARII 2020 के अकॉर्डिंग। रैंक 101 से 200 के बीच में रहा है। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 में इसे वो स्थान प्रदान किया है। उसके अलावा कई सारे संस्थाओं ने इसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी के तौर पर इसे प्रदर्शित करने का चयन करने का काम किया है। यहाँ पे देख लीजिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी 1 जून से आप कर सकते हैं, स्टार्ट है। और लास्ट डेट है 30 जून तक रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक के लिए भी है, एम प्लान के लिए भी है, एंड एमसीए के लिए भी है, एंड एमबीए के लिए भी है, एंड पीएचडी के लिए भी है। ₹1000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज आपका लगेगा फॉर्म भरने में, ध्यान रखिएगा। सीट मैट्रिक्स एंड फी फॉर पीजी प्रोग्राम की बात करें तो पीजी आप इसमें कर सकते हैं, देख लीजिए। एंड पीएचडी में देख सकते हैं यहाँ पे टेंटेटिव सीट है, यानी ये बढ़ सकता है घट सकता है। सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आईटी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, देन एमएई है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एंड इंग्लिश है। ₹33000 यहाँ पर आपको फ़ी लगेगा पर सेमेस्टर, मेरे ख्याल से सेमेस्टर ही होगा, पर सेमेस्टर फ़ी। वन टाइम ₹2000 लगेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 लगेगा, हॉस्टल और मेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए सभी इन्फॉर्मेशन एक एक करके दिए हुए हैं। कंडक्शन ऑफ रेट की बात करें यानी आपका जो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो ऑनलाइन होगा, 10 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में होगा, यानी 10 और 11 को होगा। रिजल्ट आपका 15 को आ जाएगा। डिस्प्ले लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट 16 जुलाई से लेकर 17 को, और कंडक्शन ऑफ पीएचडी इंटरव्यू 19 और 22 जुलाई को होगा उस बीच में, और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को 28 जुलाई को बता दिया जाएगा। लास्ट डेट फॉर एडमिशन पीएचडी 31 जुलाई है, उसके बाद आपका पढ़ाई शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एम प्लान के लिए जो अर्बन प्लानिंग होता है, एंड एम टेक के लिए अलग अलग डेट दिए गए हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में करना है आप यहां पर आकर के खुद से देख सकते हैं। इसमें और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है साथियों, इसमें बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस इन्होंने दिया है जिसमें फ़ी वगैरह और तमाम सारे चीज़ों के बारे में बताया है। यहां पे जो आरक्षण होगा वो भारत सरकार के रिजर्वेशन लागू हो, क्योंकि यह भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन लागू होगा। बाकी सारी चीज़ों को आप खुद से इसमें पढ़ सकते हैं, हमें नहीं लगता कि इसमें और कुछ ज़्यादा समझने की पढ़ने की आवश्यकता है। जो कुछ भी था हमने एक करके देख लिया है, यहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर करके आप इसको और विस्तार में पढ़ सकते हैं, कितने साल का कौन सा कोर्स है, ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है कि आप जानते ही होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।